भाइयों और बहनों, जम्मू में यातायात और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत किया जा रहा है। दूर दराज के इलाकों को जोड़ने, यहां की सड़क नेटवर्क को सुधारने के लिए भाजपा सरकार ने प्रधानमंत्री विकास पैकेज में 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इस काम के लिए किया है। मुझे इस बात की खुशी है कि इस पैकेज से बन रहे सड़क, पुल, सुरंग, नेशनल हाईवे का काम अब तेजी से शुरू हो गया है। चेनाब नदी पर बनने वाले सजवाल पुल से सजवाल और इंद्रीपट्टन की दूरी करीब 50 किलोमीटर से घटकर सिर्फ 5 किलोमीटर रह जाएगी। 2100 करोड़ की लागत से बन रही चेनानी, सुध महादेव, गोहा सड़क के लिए भी सारी बाधाओं को अब दूर कर लिया गया है। अब इस पर तेजी से काम किया जाएगा। इसी तरह जम्मू अखनूर पूंछ हाईवे पर 5100 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे जम्मू अखनूर सेक्शन पर भी तेजी से काम चल रहा है। साथियों, जम्मू में कनेक्टिविटी के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत किया जा रहा है। किश्तवाड़ में चेनाब पर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनेगा, उससे जम्मू कश्मीर की बिजली की जरूरतों तो पूरी होगी ही, यहां के हजारों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। इस प्रोजेक्ट के साथ ही सरकार ने रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को चलाने के लिए भी व्यवस्था कर ली है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होते ही राज्य को 850 मेगावाट अतिरिक्त बिजली मिलेगी। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट पिछले 40 साल से लटका हुआ था। शाहपुर कंदी बांध परियोजना पर भी अब जम्मू कश्मीर ने पंजाब के साथ समझौता कर लिया है। इससे राज्य को बिजली तो मिलेगी, साथ ही साबा और कठुआ जिलों की 32,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के दायरे में भी लाया जा सकेगा।